सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज फीचर माई कार से आप लोगों के लिए एक और नई गाड़ी जो है हम लोग लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं लोगों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ जो भाई हमारे पास आज आए हुए। भाई एक बार नाम बता दीजिए। इंद्रजीत भाई हमारे साथ है। जसमीत भाई हमारे साथ है। सारांश भाई हमारे साथ है। तो भाई को जो है आपने ऑलरेडी एक वीडियो में देखा हुआ है। कौन सी गाड़ी थी? XL6। और मैं मानूंगा कि भाई उसके बाद मेरे कई सारे दोस्तों ने जो है गाड़ी खरीदी है XL6, और उन्होंने यही बोला कि भाई ने जो गाड़ी बना रखी थी वो नेक्स्ट लेवल की थी, काफ़ी बढ़िया काम हो रखा था। और अब जो है भाई ने कहते हैं ना प्राउडली जो है महिंद्रा थार पकड़ ली है। और इसका क्या रिस्पांस है भाई, पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया गाड़ी। मजा आ रहा है पेट्रोल गाड़ी में? एवरेज की जो एक दुख रह रहा है वो है एवरेज के चक्कर में तो ली नहीं, सिर्फ अच्छा। शौक के लिए ली है। वैसे एवरेज दे क्या रही है गाड़ी? नौ दस की एवरेज दे रही है। चलो अभी हिसाब नहीं लगाया, चलो ये बात भी ठीक है। लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है, जो बंदा गाड़ी लेता है वो सोचता है कि हाँ भैया कुछ ना कुछ तो एवरेज आनी चाहिए। तो भाई ये जो है आप लोगों की ब्लैक थार है, दिस इज अ पेट्रोल। ऑटोमेटिक है मैनुअल है? ये मैनुअल है। क्या रीजन है ऑटोमेटिक ना लेके मैनुअल लिया? वैसे ऑटोमेटिक कोई गाड़ी ली नहीं आज तक कोई भी। लेकिन अगर मैं पर्सनली एक ओपिनियन देता हूँ, नेक्स्ट बारी जो है ऑटोमेटिक गाड़ी जरूर लेना आप। फिर ऐसा मन होगा कि भैया आप तो मैनुअल गाड़ी चलानी नहीं है। एक्चुअली मैं ऑटोमेटिक के लिए मैं बोला था मेरे ब्रदर को, बट वो माना नहीं, कह रहे नहीं मैनुअल लेते हैं। ठीक है। और भाई गाड़ी जो है भाई ने बहुत टेस्टफुली अच्छी तरीके से तैयार करा रखी है। मेजोरिटी टाइम जब भी आप नई गाड़ी खरीदो, कुछ कराओ ना कराओ, इस गाड़ी का जो रेडिएटर है ये बहुत ज्यादा एक्सपोज है, तो इसमें आप लोगों को प्रोटेक्शन गार्ड कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। आपने लगवा रखा है? नहीं लगवा रखा अभी। ये जो है प्लास्टिक वाला ही है? देख लो भाई, ठीक है। तो ये आप जरूर लगवा लेना, ये कुछ ज्यादा मतलब बहुत कोई सौदा भी नहीं है बहुत बड़ा, ये 10-15 मिनट का काम है, ये आप लोगों को जरूर लगवाना चाहिए। इसके बाद जो है फ्रंट बम्पर इस गाड़ी के आप लोगों ने देखे होंगे ग्रे एंड ब्लैक कलर में आते हैं। दिस इज अ फुल प्लास्टिक जो आप लोगों का बम्पर होता है उसका लुक है। भाई ने इसको ब्लैक करा रखा है, और उसी के साथ में इस गाड़ी का अगर आप लोग साइड में आप लोग देखोगे तो भाई ने लाइनिंग भी लगा रखी है। भाई ये मतलब कैसे आया दिमाग में कि भाई इसको पेंट करवाना ही है? ये स्टार्टिंग देखी थी मैंने एक गाड़ी, मेरे फादर ने भी देखी थी। ओके। तो तभी डिसाइड किया कि यार ये पूरा ब्लैक कॉम्बिनेशन रखेंगे, थोड़ा यूनिक भी रहेगा, अलग रहेगा और थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये कंपनी से करवाया, आफ्टर मार्केट से कराया? कंपनी से पेंट कराया। तो कंपनी ने ऐसा तो नहीं बोला हम नहीं पेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं? पैसे लो, पैसे लिए, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, उन्होंने कर दिया पेंट। चलो भाई ठीक है। तो अगर इस पेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो दिस इज योर ग्लॉसी वाला पेंट, ठीक है। तो इसको कितना टाइम हो गया पेंट हुए हुए? अभी डिलीवरी से पहले ही पेंट हो गई थी। ये भी तरीका सही है, अगर आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते हो। बाकी भाई ने इसमें बम्पर्स को पेंट करा रखे हैं। जो हेडलाइट है इसमें माइनस वाली हेडलाइट डाल रखी है, और बीच में जो है आप लोगों की ग्रिल है। अब अगर आप लोगों ने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा, मैंने आपको चीज दिखाई थी ना, जो चीज एक नहीं आती है गाड़ी के अंदर, तो ये गैप जो आता है इसको भरने का तरीका जो है हम लोगों ने बता दिया। अगर आप आगे वाली वीडियोस में देखना चाहो, आपकी पुरानी ग्रिल से भी उतार सकते हैं वो चीज़। अच्छा। वो तरके इसमें लग जाती है, तो उससे जो लुक होता है वो थोड़ा गाड़ी का एक इनहेंस बन जाता है, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है करवा सकते हो। और लाइटिंग का क्या रिस्पॉन्स है भाई, जो माइनस वाली लाइट है? बहुत बढ़िया लाइट है भैया, सही है। रोड पे LED लगवाई थी, उससे तो बहुत अच्छी है रोशनी, बहुत बढ़िया। और डिपर भी जबरदस्त है, डिपर जबरदस्त है भाई। भाई देखो भाई के जो यूसेज के अकॉर्डिंग है भाई ने उस तरीके से कराया। अब इसको अगर आप फ्रंट से देखते हो तो आप लोगों को क्या ये गाड़ी जीप रैंगलर वाला मजा या लुक दे रही है कि नहीं दे रही है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। और फॉग लाइट जो है भाई ने अभी नॉर्मल रखी है, व्हाइट है क्या है, येलो है? LED लगा लिया। इसके अंदर कुछ IPS लगाने? नॉर्मल लगा रखा, ठीक है भाई। तो अब हम लोग आते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइलिंग की तरफ। उससे पहले एक चीज बताया था, भाई ने स्कूप लगा रखा है, ये छेद करवा के लगवाया है नॉर्मली? ये डबल टेप से लगा हुआ है, इसका क्या रीजन है भाई, पहले ये बताओ। स्कूप वाला नहीं, वैसे ही लगाया है। स्कूप सारी गाड़ियों में, XL6 में भी स्कूप है, रिड्स के अंदर भी स्कूप है हमारी। अरे भाई ये मतलब ये फिर वो हो गया कि एक डिफरेंशिएटर हो गया अपनी गाड़ी के अंदर स्कूप मिलेगा। स्कूप मिलेगा ऐसी थार देखी नहीं होगी आपने? नहीं नहीं देखी भाई, मैं तो वही चीज मैं कह रहा था कि क्या होता है, मैंने ये चीज नहीं देखी। बिल्कुल एंटीना भी दिखाऊंगा, उससे पहले ये आप लोगों का बग डिफ्लेक्टर जो है वो भाई ने यहाँ लगाया हुआ है। बग डिफ्लेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, इस गाड़ी का शीशा बिल्कुल सीधा है, तो जब भी मच्छर उड़ के आते हैं साले सीधे अंदर घुस जाते हैं। इससे बेनिफिट नहीं है, बहुत मच्छर पड़ता है। मेरे तो दो बारी शीशा टूट चुका है थार का, अभी भी थार का शीशा टूटा हुआ है। अच्छा। हाईवे में चलता है तो पत्थर, क्योंकि सीधा शीशा है ना इसका, तो उसमें शीशे में सीधे एकदम लगते टूटता है। और भाई ये जो है, ये भाई आप लोग एंटीना वाला जो लुक यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, अब ये एंटीना वर्किंग है कि नहीं है? वर्किंग है भाई, बढ़िया। नहीं मिलेगा आपको कहीं, ढूंढ लो पूरे दिल्ली में, ढूंढ लो कहीं भी, ढूंढ लो, नहीं मिल सकता। तो अब कॉपी होगा, मेरे फादर की इन्वेंशन है। लेकिन कॉपी होगा आपकी नहीं, लोग कॉपी करेंगे? कॉपी जरूर कर सकते हैं, कॉपी करने का तो कुछ भी कॉपी कर लो, पर फर्स्ट इन्वेंशन मेरे फादर की है। वेरी नाइस भाई, मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ, ये चीज आप लोग जरूर एक बार देख लो पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसके साथ में मूवमेंट भी इसकी जो है स्टिल रखने के लिए भी अंकल ने इसमें काम किया हुआ, बहुत बढ़िया भाई। और ये पूरा का पूरा जो आपका स्टॉक वाला आता है वो ब्लैक कलर का इतना आता है, वो कभी कभी कई सारे लोग जो है उसको चॉइस वाइज चेंज कराते हैं। अब आप लोगों ने आगे तो लोगों को देखा होगा कि भाई कोई झंडा वंडा लगा के चलते हैं, लेकिन भाई ने जो है ये एक इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को आई गेस आइडिया जो है इससे बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइलिंग की तरफ में,
ठीक है। तो साइड प्रोफाइलिंग में जो है भाई ने टायर स्टॉक रखे हुए, जिस टाइम पे गाड़ी ली होगी तब सीएट के टायर आते थे। आप लोगों के कैलिबर जो है वो रेड पेंटेड है, पीछे वाले भी रेड पेंटेड है, लेकिन भाई बता रहे थे इसमें पेंट फट गया। तो ये कंपनी से हम लोग इस बारे में बात तो कर सकते हैं, कंपनी से तो आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ ना पेंट। अच्छा, ये वाला पेंट बाहर से कराया था? कराया हुआ है। अच्छा, तो ये पहले बेस लगवा के करवाना पड़ेगा तभी ठीक रहेगा। ठीक है भाई, ये भी चीज़ ठीक है। अब ये लाइट्स कौन सी होती है, आप लोगों ने पुरानी थारों में देखी होगी काफ़ी ज़्यादा ना, हमर लाइट्स बोलते हैं इसको। तो इसकी वायरिंग वायरिंग कैसे जाती है? ऊपर से यही वायरिंग यहीं से जा रही है इसकी। अच्छा, इधर से जाते हैं, पेस्टिंग के अंदर से निकल जाएगी वायरिंग। ठीक है, उसका कोई लीकेज वीकेज कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई ठीक है। तो साइड में भी अगर आप लोग देखना चाहोगे, साइड मिरर इसके आप लोगों को मैट में मिलते हैं या फिर रग्ड वाला जो नॉर्मल स्टॉक होता है इसको भी पेंट किया हुआ है। इवन भाई ने डोर हैंडल को भी जो है पेंट किया हुआ है। अब मैंने भाई को ये बोला कि भाई हार्ड टॉप भी कर सकते हो, आपको चॉइस वाइज, तो हार्ड टॉप भी सही लगेगा, ऐसा कोई बुरा नहीं है। एक चीज ट्राई करना, मैं आपको वैसे एक रिकमेंड करता हूँ, लाइनेक्स। अच्छा, लाइनेक्स एक चीज़ होती है, कोट होती है, उसके बाद अगर इसके ऊपर आप लोग ऊपर से कितनी भी ऊपर से ईड भी फेंक दोगे ना, लाइनेक्स के ऊपर कुछ नहीं होगा। अच्छा, आने वाले टाइम पे एक ब्लॉग भी दिखाएंगे उसके ऊपर कि लाइनेक्स होता क्या है। तो ये फॉर अ आइडिया जो है, और मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे थोड़ी सी गाड़ी पुरानी हो जाए उसके बाद लाइनेक्स ही करा देंगे, उससे एक सेफ्टी भी रहती है और उससे गंदगी जो है थोड़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, तो रियर प्रोफाइलिंग के बारे में अगर आप लोग बात करोगे, रियर ये पेट्रोल वेरियंट है, तो इसमें अब ये डमी एग्जॉस्ट है भाई या क्या है? ये नॉर्मल टिप लगी हुई है, बस टिप लगा रखी ना। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों का डमी है, पीछे आप लोगों को स्टेपनी देखने को मिल जाएगी, सेम जैसा आप लोगों ने देखा था। आप लोगों के जो आगे की तरफ में पूरा पेंटेड था भाई ने, साइड में रियर में पूरा का पूरा जो पेंटेड वाला लुक है उसको इसमें बरकरार रखा है। ठीक है, और ये सारा पेंट मैं पहले कन्फर्म कर देता हूँ कि ये जो है सारा कंपनी से हुआ है। ठीक है, तो एक बार ये अंदर की तरफ में चलते हैं, इंटीरियर की तरफ में आप उस तरफ से आ जाओ। तो आप लोगों के जो डोर पैड्स है उसके ऊपर ये कलर कौन सा, ब्राउन है? आप ब्राउन ही कह सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर है। डार्क ब्राउन कलर है ये जो है आप लोगों के पूरा डोर पैड में लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों की ब्लैक फिनिशिंग जो है इसमें दी गई है। ये उतार के पेंट किया था या डिप किया? डिप किया हुआ है ये, डिप किया मिरर ब्लैक। ठीक है, ये मिरर ब्लैक में है। वैसे यूजुअली मिरर ब्लैक मेरे ख्याल से डिप होता नहीं है, पेंट ही करते हैं वो लोग, पता नहीं उसने तो बोल के ही था। लेकिन मेरे को लगता है पर्सनली कि जो ब्लैक कलर होता है, मतलब ब्लैक में भी शेड्स होते हैं, अगर ब्लैक में थोड़ा सा अलग अलग शेड होता है तो उसमें आई गेस पेंट होता है। पियानो फिनिश में आई थिंक शेड डिप होता होगा, पता नहीं भाई, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ देना भाई। ठीक है, जो भी चीज़ लगती है वो सामने कैमरे के बताना चाहिए ना भाई, तो वो अच्छी चीज़ है। सीट जो है भाई वो एक नंबर की तैयार कर रखी है। इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है उस वो ज़रूरत है थाई सपोर्ट की, क्योंकि थाई सपोर्ट के बिना अगर आप इस गाड़ी को कहीं दूर लेके चले गए तो आपकी टांगों में तो दर्द होगा ही होगा, आपके पंजों में भी दर्द होने लग जाता है। ठीक है, और थाई सपोर्ट बहुत अच्छा निकाल रखा है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे सीट्स का जो पूरा डिजाइनिंग है वो सेम जो है उसी फर्मे के ऊपर जो है चीज़ें हो रखी है। अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा। ये है इसका आर्मरेस्ट और ये लकड़ वाला आर्मरेस्ट है जो नीचे आप लोगों का स्टॉक जुड़ता है। इवन आप लोगों का जो हैंड ब्रेक है उसमें भी लगाया गया है। आप लोगों का जो गियर नॉब हो गया, गियर नॉब के नीचे का खपड़ा हो गया, इसके ऊपर भी सेम चीज़ लगा रखी है। और कुछ लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि भाई ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो ये भाई कर रखी है। खुली हुई गाड़ी आपके सामने ही होगी सब कुछ? सब हमारे सामने, सारा काम आपके सामने हुआ था? कहीं पर कुछ कोई लॉक टूट रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल था। ठीक है, तो आप लोग भाई ये देख लो। ठीक है, फीडबैक वाइज ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन जो आपका स्टेयरिंग रैप है वो भी यहाँ पर किया हुआ है। छत के बारे में आप करोगे तो ये वेलवेट वाला लुक है, और थोड़ा सा मुझे आपकी अब गाड़ी की सीट याद आ रही है, थोड़ा सा यही फील थी, मैच करता है, मैच करता है ना बिल्कुल भाई। ये आप लोग चेक कर सकते हो। अब इसकी थोड़ी मेंटेनेंस हाई हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मिट्टी उट्टी लग जाती है तो उसको साफ कराना पड़ता है, लेकिन भाई नो डाउट गाड़ी का जो लुक है वो एक नंबर का निकल के आ रहा है। आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगता है। ठीक है, तो रियर आर्मरेस्ट भी आप लोग चेक कर सकते हो, मुझे भी थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा, हल्का सा एक बार बस आगे कर दो सीट पर, बस भाई अब आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये वाला जो आप लोगों का आर्मरेस्ट है ये लॉकिंग वाला आर्मरेस्ट है, पीछे की तरफ में आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्मरेस्ट। इवन यहाँ का जो कपड़ा होता है साइड का रखी पूरी गाड़ी की, वेरी नाइस भाई। तो मतलब भाई गाड़ी में आप लोगों को कैसा लुक आ रहा है एक बार हम लोगों को जरूर बताना। ठीक है, और कुछ ऐसा आइडिया मिल जाता है। अब सबसे मेजर चीज जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगा भाई ने, आई गेस ऑडियो भी अपग्रेड कर रखी है। ऑडियो कहाँ से अपग्रेड हुई है? सर वहीं से जहाँ से आप जाते कराते हो। मोटर कौन से डाले भैया से? क्या क्या लगा भैया इसके अंदर? मर्करी के कंपोनेंट्स लगे, मर्करी के कंपोनेंट्स लगे, चारों एम्पलीफायर लगा, एम्पलीफायर लगा, वूफर, सब वूफर भी लगा हुआ। तो भाई मैं आप लोगों को दिखाया था, जो चीज सबसे इजिली दिखाई जा सकती है वो है आप लोगों का सब वूफर, वेरी नाइस भाई। ये देखो भाई, ये मैं आप लोगों को पर्सनली बताना चाहूंगा एक चीज। ठीक है, मैंने जब अपनी गाड़ी के अंदर लगवाया था तो उस टाइम पे ग्लैडन का स्टॉक नहीं था, तो मैंने पूरा डीडी के उसके लिए मैं ऑप्शन के लिए गया था, और मैं भी आज तक ये ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये चिपकने वाली कहीं से मिल नहीं पा रही। भाई ने ऐसे किसी से बनवा के लगा लिया, ये काट के खुद ही लगा। इसका फायदा है कि नहीं है वैसे इसका? ये जो नीचे लगता है कारपेट,
फायदा कुछ नहीं है वैसे तो, मैंने नॉर्मल वैसे फ्लोरिंग करा रखी है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, बचा हुआ था तो मैंने ऐसे काट लिया। क्योंकि ना इसमें होता क्या, सब ऊपर बसता है। अच्छा नीचे बसता है? हाँ, नीचे सब ऊपर जो है बसता है, अगर कपड़ा लगा होता है तो वो नहीं बसता। और यूजली क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर टच होता है सब ऊपर ना, हल्का सा ही होता है, क्योंकि आप 8 इंची का लगा हुआ है। और ग्लाइडन का अगर आप लोगों को मैं भी आवाज भी सुनाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा इसका सुन के ना, कि भाई रिस्पॉन्स वाइज कस्टमाइज किया हुआ है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही थी ना लग रहा है। लेकिन थार की आवाज सुनने में, मतलब थार में अगर आपने 4 मर्क्यूरी डाल रखे है, एम्पलीफायर है, सब ऊपर है, क्या मजा आता है पहले? बहुत मजा आता है, मतलब एक अलग गाड़ी वाली फील आती है कि हाँ भाई अलग ही चल रहे हैं हम लोग, बस मजेदार। और किसी के पास से गुजरो तो एक अलग सी धमक गाड़ी के अंदर बनी रहती है। सही बात है, ये धमक वाली चीज जो है ये तो भाई पूरी दुनिया जो है इसके लिए दीवानी है। ठीक है, बाकी भाई भाई के पास जो है पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। इंटीरियर का मैं लुक दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए। कई सारे लोग पूछते भैया कौन सा कलर कराऊं कौन सा कलर नहीं कराऊं, तो अब आप लोगों को जो है कलर का ऑप्शन पता चल जाएगा। एक चीज बताना, एक कलर कॉम्बिनेशन का है, फिर से एक बार कलर बता दो कौन सा कलर है जो हमारे सीट कवर में। ब्राउन कलर का सीट कवर है, ठीक है, और आई थिंक बेज कलर का या क्रीम कलर का आप कह सकते हो। रूफ लगाया हमारा। तो जब ये रूफ लगाया गया था, क्या ये उतारा गया था नीचे या कैसे खोला गया था? रूफ पहले रेडी होती है, फिर उसके बाद सारी पेस्टिंग होती है। अच्छा, पहले वो पूरी रेडी होती है। ठीक है, कुछ खोलने वाला तो नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नट खोलते, क्योंकि कई सारे लोगों ने ये चीज दिखाई है। ये बीच का जो स्टीरियो वाला ये है माउंट, ठीक है, ये उतर के पूरा, ये भी रैप हुआ वाला लेदर में, ठीक है, ये उतरा था तब पूरी रूफ हुई थी लास्ट तक। ओके भाई, ठीक है, तो आप लोगों को फॉर चेन जो है आइडिया पता चल चुका है। ठीक है, तो अब जो है हम गाड़ी के एक बार आउटपुट सुन लेते हैं आवाज का, कि कैसा आउटपुट आता है, और फिर आप लोगों को जो है एक अच्छा आइडिया इसके बारे में मिल जाएगा। गाइज, आप लोगों ने जो है सब चीजें भाई की गाड़ी में देख ली। कोई ऐसी चीज है भाई जो महिंद्रा थार खरीदते वक्त कुछ कंप्लेंट है, कुछ है, दिक्कत है? एक तो ब्लूटूथ वाली बात बोल दो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्लूटूथ की दिक्कत है, दोबारा कॉटो कनेक्ट होता ही नहीं है, करेक्ट नहीं होता भाई। देख, मैं तो यूज करता नहीं हूँ, मैं एप्पल कारप्ले करता हूँ, सबको एप्पल कारप्ले बोलता हूँ, उससे आवाज भी अच्छी होती है और कनेक्टिविटी भी ज्यादा रहती है। ब्लूटूथ की मेजर प्रॉब्लम है और सब गाड़ियों में ये आ रही है, जितनी भी थार लोग ले रहे हैं। और कोई दिक्कत गाड़ी में, कोई परेशानी ऐसा फील होता है कि भाई ये चीज चेंज होनी चाहिए या ये चीज अपग्रेड होनी चाहिए? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया इंप्रूव कर दिया उन्होंने पुरानी से और नई में, तो जमीन आसमान बहुत फर्क है। और भाई कितने पैसे स्पेंड किए थे जब आपने गाड़ी खरीदी थी? कितने पैसे? पैसे तो मेरे ख्याल से लग गए 16-17 लाख की तो गाड़ी थी। ठीक है, उसके बाद आपने पेंट, अभी मेरे को बताना पेंट और ये सब चीजें आपने करवा के जो अभी तक करवाया सीट का और ईट का, कितने पैसे लगा दिए? लग गया होगा डेढ़ के आसपास लग गया होगा, नंबर समेत। नंबर समेत भाई, नंबर भाई ने अपना फैंसी लिया है ना, ये अपना कोई लकी नंबर है? ये लकी नंबर है, ठीक है भाई, तो करीबन 1.5 लाख ऊपर लगाया, वर्थ है लगा के? बिल्कुल वर्थ है, जब लोग ऐसे नजर घुमा के देखते है ना रेड लाइट पे, वही पैसे 1.5 लाख पूरे हो जाता है। ठीक है भाई, ये एक बहुत अच्छी बात भाई, मुड़ के देखे चीज को ना, करेक्ट बात है भाई, थार तो सबके पास है। सही बात है भाई, आपको 76 गाड़ी जहाँ पर दिख जाए, स्कूप वाली ठीक है, तो स्कूप वाली रोक के भाई को एक बार थम्स अप कर देना आप लोग। और भाई क्या कहोगे, मतलब एक मतलब कहते हैं ना पंजाबियों का तो भाई शौक है कि भाई थार तो होनी चाहिए अपने हाथों में, उसी शौक में ले ली गाड़ी है, उसी शौक में। तो मतलब अगर पंजाब चले जाओ तुम तो मेरे को ऐसा लग रहा है हर घर के बाहर एक थार खड़ी है। नहीं, और ये वाले मॉडल ने तो वैसे ही धूम मचा रखी, मतलब इसमें तो ऐसा हो गया कि भैया प्रीमियम दे दो तब गाड़ी मिलेगी, नहीं तो खतरनाक ही पूरा जो है माहौल बना हुआ। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में जो है आप लोगों को हम लोगों ने थार पेट्रोल दिखाई, दिस इज अ मैनुअल वेरिएंट, भाई ने इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई किया था, और वर्थ क्या थी क्या नहीं था भाई ने आप लोगों को सब कुछ बताया। और फीचर माई कार जो है वो भाई, मतलब उसमें आना जो है वो कोई वो तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है? नहीं, बहुत ईजी है, बहुत आप हेल्पफुल हो,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, भाई को मैंने पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए, ऐसा कुछ अच्छा 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 बोलना, लेकिन भाई ये प्यार मोहब्बत है। भाई की पहली गाड़ी आई थी तब भी हमने दिखाया था, दूसरी आई तब भी आई, तीसरी आएगी, तीसरी भी टेंशन ना लो, तीसरी भी आ रही है, 700 ले आओ। नहीं 700 नहीं, छोटी लाएंगे, छोटी लेके आओगे। चलो भाई ठीक है, बड़ा कुछ काम करके लेके आओ। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप लोग प्यार मोहब्बत बना के रखो। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम मुसाफिर टगैरा, फेसबुक मुसाफिर कास्ट। सो विद दिस सेड गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, एक बार ऐसे कर दो, बाय बाय।